अब आप ये देखें, साइज के हिसाब से देखें इसको, मैं बिल्कुल यहाँ पे लकीर से लकीर मिला दी बैटरी का, आप दिखा सकते कस्टमर को अपने। सही। अभी कितना फर्क आ रहा है चौराई में इसका, ये 200 वाला कंटेनर डीआईबी जो 180 आती है दूसरे ब्रांड के 210 के बराबर है, मोटा कंटेनर आता है और ट्यूब निकलती है इसके अंदर से, 6 ट्यूबे होती है इसके अंदर। सही। और ये बैटरी पूरी रेडी आती है और ये बैटरी बेस्ट फॉर सोलर है, बेस्ट फॉर सोलर सिस्टम है। कंपनी ने बैकअप के लिए इसको और मजीद इनहेंस किया है कि इसका बैकअप और मजीद बढ़ जाए और काफी वजनी हो गई बैटरियां, अब हमें खुद महसूस हो रहा है ये बैटरियां वाकई बहुत वजनी हो गई है। 175 एम्पीयर ये 1800 ट्यूबवेल के बराबर, ये भी 2024 का कोड है, 3S जो कि 12.5 के लाती है। ये बैटरी आपकी 150 होंडा की 150 और सुजुकी की जो है 110 जो कि आपकी GS है और 125 YBR और YBZ उसमें ये लग सकती है बैटरी वाली। ये 12 NP7 है, ये वर्ला बैटरी कहलाती है। ये आप 12 वोल्ट के पंखों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जवान भी अभी पंखों का सीजन आ रहा है, 12 वोल्ट के DC वगैरह DC फैन में यूज करी आती है, ये 1.5 घंटा बैकअप देती है DC फैन में, और अगर छत तक कुर्सी वाला पंखा है तो उसमें 3 घंटे भी बैकअप दिया बैटरी में। अच्छा, अगर आप इसकी बात करते हैं UGS 55 फोन के लिए, ये जबरदस्त बैटरियां चल रही है इस वक्त, प्राइस के हवाले से भी जबरदस्त है। ये 30 एम्पीयर देती है, 50 मॉडल कहलाता है, 9 प्लेट होती है। लोग 50 एम्पीयर बोलते हैं, 50 एम्पीयर नहीं होते, 50 मॉडल होते हैं, 30 एम्पीयर होते हैं। बाकी ये बैटरी 12 महीने वारंटी पे है, ड्राई बैटरी है और इसका वजनी भी बहुत होती है, मेरी आवाज से बच्चल के होकर निकालते हैं। अच्छा तो ये 60 वाली बैटरी है, 36 एम्पीयर देती है, 60 मॉडल होता है, बट ये एम्पीयर जो इसके है ये आपके समझ लीजिए 40 एम्पीयर का मुकाबला करती है बैटरी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपको, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर जो है इरफान भाई की शॉप पर विजिट किया है और यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि भाई लेटेस्ट बैटरीज के प्राइस क्या चल रहे हैं मार्केट में, जो प्राइसेज हैं वो अपडेट हुए हैं, बढ़े हैं कम हुए हैं, क्या क्या प्राइसेज आपको मिलेगी आज की डेट में, तो ये सारा कुछ जानेंगे इरफान भाई से। और इनके पास जो है ना तकरीबन आपके पास जो बाइक की बैटरी से स्टार्ट होती है और उसके बाद UPS सोलर हर तरह की कार तकरीबन तमाम मॉडल बैटरियों के जो है वो आपको मिल जाएंगे इनके पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जा करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बैटरियों के प्राइसेज वगैरह दिखाते हैं कि भाई आज की डेट में अगर आप बैटरी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कितने की मिलेगी, क्योंकि आगे सीजन आने वाला है, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो इसकी जो है ना डिमांड बढ़ती जा रही है और प्राइसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं तो आज की डेट में। और यहाँ पर आने का एक और रीज़न भी है कि भाई आपको जो अगर मेरी वीडियो को देख के आप मेरे चैनल के रेफरेंस से यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेज पर बैटरियाँ मिलेंगी। ऐसे ही इरफान बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर प्रिफर करें, आपके अभी तक हमने प्रमोशन प्राइसेज अभी तक होल्ड किए हुए, आगे 2 महीने गुजर चुके हैं, 2023 तक क्लोज हुए हैं। सही। तो भाई अगर आपको कोई भी बैटरी आप देख रहे हैं अपने लिए तो बिल्कुल आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस जो है ना इरफान भाई ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए रेट्स आ गए हैं बैटरियों के, तो आज की डेट में क्या रेट चल रहे हैं आपके पास, कौन कौन सी बैटरी है, क्या साइज है, ये सारा कुछ हमें गाइड करें। सर जी बैटरी तो हमारे पास जो है बाइक से लेके सोलर तक की बैटरीज अवेलेबल है, जिसमें बैकअप के पर्पस की बैटरी भी आई थी, सेल्फ स्टार्ट की बैटरी भी है और जस्ट हॉर्न के लिए स्टार्टअप के लिए ऑन के लिए बैटरी से मौजूद, तो बैटरी तकरीबन सारी कवर हुए थे हमारे पास। बस बाकी जो रेट्स के बारे से आपने बात की, रेट्स जो है थोड़े बढ़ गए हुए चीज़ों के, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अभी मैं आज रेट के बारे में बताऊंगा तो कंपेयर तो करूँगा पहले से रेट क्या थे और अब क्या रेट हो गए हुए। बाकी हवाले से अगर देखा जाए डैवो में, तो डैवो में अभी भी कंट्रोल रेट हमने रखे हुए कि अभी भी कोई शक है, हमने अपनी सेल को मेंटेन करनी होती है, दरअसल हमारी रेट्स अगर ज़्यादा होंगे हमारी सेल ख़राब होती है, तो हमने अपनी सेल को मेंटेन करने के लिए प्राइसेस होती है बिल्कुल होलसेल और प्रमोशन चला के रखे हुए। सही है। तो आपके पास तो वैसे भी होलसेल प्राइस में ही आप सेल करते हैं, होलसेल प्राइस के अंदर हमारी बैटरीज होती है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और रेट बताना शुरू करें। जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है वो बाइक से स्टार्ट होती है, सुपर फोर से। अगर सुपर फोर की बात करें, ये बैटरी जो है उसाका की है, लिक्विड वाली बैटरी है। सही। और इस बैटरी के अंदर आपको मिलता है एक लेड एसिड का कंटेनर, साथ में एक ड्रेन पाइप होता है जो कि यूज होता है इसके अंदर, और ये बैटरी होती है जो कि ड्राई चार्ज आती है, इसका लेड एसिड इससे भरना पड़ता है कंटेनर से। सही। ये आपको पड़ती है 1150 रुपये पड़ती है, 1150 रुपीज़ की। ठीक है। पहले ये 1100 रुपये की थी, इससे प्राइस 100 रुपये पड़े तो हमने 50 रुपीज़ आपको इंक्रीज किया हमने इसके। ठीक। और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो उसमें 1100 की प्राइस आपकी आ रही होगी, तो मगर क्वांटिटी को मैं अगर रेट लेना चाहे हमसे क्वांटिटी के अंदर तो हम क्वांटिटी में उसको फिर भी डिस्काउंट दे देंगे और मजीद। सही। तो ये होलसेल प्राइस है इसकी। और नेक्स्ट मूव पर अच्छे 12.3 एम्पीयर में आती है, AGS की जो आती है AGS में वो 12.5 आती है। सही। तो ये 12.3 होती है, लेड एसिड की बैटरी है इसमें, ये आप 70 में 125 में जो आपकी नॉन सेल स्टार्ट होती है ना, आपकी डायरेक्ट
आपने सिर्फ हॉर्न और इंडिकेटर चलाए तो उसके लिए बेस्ट है। सही। सेकेंडली मूव करते हैं, ड्राई बैटरी आती है इन्वर्स सोलो की ये ब्रांड, और ये बैटरी आपको पड़ती है 1500 रुपए की। लास्ट प्राइस भी इसी 1500 से थी और अभी भी प्राइस 1500 ही है, इसमें हमने कोई इंक्रीज नहीं किया क्योंकि मार्केट में कोई इंक्रीज नहीं है। और देख सकते रेडी स्टार्ट आती है, तो ये बैटरी आप देख सकते ड्राई, और इसकी जो प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल प्राइस 1500 रुपए से प्राइस हो चुकी है। ठीक है यार, अभी आपके पास कितने की है? ये 1500 में मिल जाएगी, 1500 में मिल जाएगी, या 150 में, सॉरी 125 और होंडा की 125 हो जाए, 70 हो जाए, 150 हो जाए, जिसमें और लगा सकते हैं बैटरी। ठीक है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है अभी। ठीक है, ये आगे सेल्फ स्टार्ट बैटरियां। ठीक है, ये एक फॉर्म है सेफ्टी के लिए होता है ऊपर की, डैमेज ना हो बैटरी। इसके साथ ये इसका वो मिलता है टर्मिनल, इसके नट बोल्ट, और ये बैटरी है जो कि 12.5 के लाती है। ये बैटरी आपकी 150 होंडा की 150 और सुजुकी की जो है 110 जो कि आपकी GS है, और 125 YBR और YBZ उसमें ये लग सकती है बैटरी वाली। 12.5 का साइज है। ये पंजाब वाले बहुत ऑर्डर करना चाह रहे इस चीज़ को, वहाँ पे ये मिलती है 3800-4000 रुपीज से पंजाब साइड में। अच्छा, वो मेरे कस्टमर बताते हैं, और यहाँ पे 3000 की अवेलेबल है। अच्छा, और इसकी मार्केट प्राइस अगर देखना चाहे इन्वेस्ट के पास तो 4000 रुपए के इन्वेस्ट वालों के पास में अवेलेबल है। अच्छा, तो ये आपको 3000 में मिल जाएगी यहाँ पे अवेलेबल, और इसकी जो ये होलसेल प्राइस है बिल्कुल इसकी। ठीक है, सेकेंडली वो ये सारा फ्रेश स्टॉक है हमारा। ये है NB7 जो कि बैकअप के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्लिप वाली बैटरी होती है, इसमें क्लिप्स आते हैं। सही, वो टर्मिनल वाली देखी है आपने, और ये क्लिप वाली बैटरी आप देख सकते हैं। सही, प्लस माइनस क्लिप आता है, हॉर्न क्लिप से ये लगती है बैटरी। ठीक है, ये 3000 रुपए की पड़ती है आपको बैटरी, 3000 की, पहले भी 3000 की, अभी भी 3000 की, जबकि मार्केट में आप देखेंगे तो आपको 3200-3400 की तो मिलेगी कम से कम। ठीक है, नॉर्मली जो कि अपने नॉर्मल रेट से सेल करता है। सही। ये NP7 है, ये वर्ला बैटरी कहलाती है। ये आप 12 वोल्ट के पंखों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे वहाँ भी अभी पंखों का सीजन आ रहा है, 12 वोल्ट के DC वगैरह DC फैन में यूज करी जाती है, ये 1.5 घंटा बैकअप देती है DC फैन में, और अगर छत तक कुर्सी वाला पंखा है तो उसमें 3 घंटे भी बैकअप दिया है बैटरी में। अच्छा, 3 घंटे का बैकअप भी इसने दिया है, और ये आपको पड़ती 3000 रुपये की, और ये बैटरी का मूव करे 12.7 अभी आए थे सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, लोग 150 में भी लगाते हैं। अच्छा, 150 में भी लगाते हैं, तो उसमें और 70 में भी लोग लगा जाते हैं, जिन्होंने LED लगाई होती है तो लोग कहते हैं मेरे लिए उस पर भी अच्छी वर्क करती है। सही, ये आपकी वही जो नॉर्मल कॉमन है इसके अंदर 12.7, ये 12.7 है, साइज इसका थोड़ा बड़ा है, ऐसे आप देख सकते हैं। इस बैटरी अगर कंपेयर करें 12.7 वाली तो आपको साइज इसकी हाइट ज़्यादा मिलती है, और ये टर्मिनल्स के अंदर होती है, इसके टर्मिनल जो नट जो होल वाले होते हैं ना, होल वाले टर्मिनल्स, ये जेन्युइन फिटिंग वाले टर्मिनल्स होते हैं इसके। ठीक है, अगर लोग 150 में ये लगवाते तो उनको अपने टर्मिनल्स में थोड़ी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है सेट लगाने के लिए, मगर ये सस्ती पड़ जाती है, ये 3800 रुपीज की है। सही, ये आपको 3000 में मिल जाती है। सही, तो ये आपको इसमें जो है बेनिफिट मिल जाता है होलसेल का। तो ये बैटरी आप देख सकते हैं, ये आप 150 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 125 सेल्फ स्टार्ट बाइकों में भी ये लगती है। सही, और इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है सर। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी आप शुरू से देखा है दुकान में, ये हम शुरू से सेल कर रहे हैं अपनी गार्डन शॉप से भी देखे अगर, तो ये इसमें कोई कंप्लेन नहीं है जिस पर हम इसको ड्रॉप करें इस प्रोडक्ट को। ये सोलर पे भी कामयाब है ये प्रोडक्ट इंडेक्स, और ये बैटरी से भी माशाल्लाह कामयाब है। ठीक, ये 12.9 आती है, ये भी 150 में लग सकती है, मैक्सिमम साइज है 150 में लगाने का या 200 पे लगाने का, ये चौड़ी बैटरी होती है। सही, इस पे ये 4800 रुपीज की पड़ती है आपको 150 के लिए, बेस्ट है ये। ठीक है, और इसी साइज में अगर आप पानी वाली पे जाएंगे तो पानी वाली जो है आपको 3800 रुपीज की पड़ती है। अच्छा, इसमें और फर्क क्या है? सिर्फ पानी और मेंटेनेंस फी का फर्क है। आप ये नहीं कहेंगे पावरफुल है या लंबी चलती है, नहीं, ये दोनों की तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, सिर्फ इसमें एम्पेयर भी 9 एम्पेयर ही रहेंगे जाहिर है दोनों के, सिर्फ पानी की मेंटेनेंस इसके अंदर आपको एड ऑन होती है, और पानी की मेंटेनेंस करनी पड़ती है आपको 15-20 दिन बाद चेक करना पड़ता है, तो बस ये इसका ना मेंटेनेंस। बाकी बैटरी ये भी कंपनी क्योंकि 150 में जेन्युइन लगा के पानी वाली देती है। सही, तो पानी वाली अगर गलत होती है इस बाइक के तो कंपनी पानी वाली लेती नहीं है, तो ये भी आपको 3800 की मिल जाती है। ठीक है, 3800 रुपये की पड़ती है आपको, बहुत मुनासिब पैसे में ये, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा सेल हमारी गार्डन में इसकी है बजाय इसके। अच्छा, सही, कौन सी बैटरी? सेकेंडली रिजवान भी हम लोग अपनी जैसे हमारा रूटीन है, हम बाइक गाड़ियों की तरफ चलते हैं, गाड़ी की स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में पहले पानी की बात कर लेते हैं। पानी वाली बैटरियाँ जो आपको मिलती है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल जो पानी में इस वक्त वो फोनिक्स है और AGS है। अच्छा, इसके अलावा भी अवेलेबल है, एक साइड भी आप देख सकते हैं, मगर इतनी क्वांटिटी में अभी नहीं है, जो रिक्वायर्ड होगा हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये कि अगर आप इसकी बात करते हैं UGS 55
फॉनिक्स के लिए ये ज़बरदस्त बैटरियाँ चल रही है इस वक्त, प्राइस के हवाले से भी ज़बरदस्त है और क्वालिटी के हवाले से भी ज़बरदस्त है। ये कोरियन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, कोरियन टेक्नोलॉजी है, जैसे डायो कोरियन टेक्नोलॉजी होती है, ये कोरियन टेक्नोलॉजी 6 महीने की वारंटी पर आती है और साथ में 40 एम्पीयर देती है आपको। देखें 40 एम्पीयर आपको बैकअप दे रही है ये, सही। तो ये बैकअप के लिए भी अगर आप लगाएं पंखे लाइटों के तो ये बेहतरीन है। दो पंखे इसमें एसी डीसी हो तो 5-6 घंटे और सादे पंखे हो आपके जैसे ब्लैक वाले फैन होते हैं यूज़ करते हैं लोग बलियन मोटर के, तो वो 2.5-2.5 घंटे में ला के आप समझ लें वो भी 5 घंटे पर बैकअप देगी। एसी डीसी में पंखा बैकअप ज़्यादा है, तकरीबन आपको 7-8 घंटे भी दे सकती है। अच्छा, फुल चार्ज पे। तो ये बैटरी आपको पड़ती है 9,300 रुपये की पड़ती है आपको होलसेल के अंदर। इससे पहले की प्राइस जो थी वो 9,000 रुपये थी, ठीक है, अब 9,300 रुपये हो चुकी है इसकी। अगर जो एक्चुअल मार्केट में देखेंगे आप वो 9,500, 6,000, 9,700 कहीं 10,000 भी बेच रहे बैटरी को। अच्छा, तो ये बैटरी का फर्क साफ है। ये आप सेल स्टार्ट गाड़ी में लगा सकते हैं, 9 प्लेट की बैटरी है तो आप गाड़ी में 1000 सीसी 1500-1300 सीसी तक भी लगा सकते हैं गाड़ी करते हुए। एजेस की आती है, ये देख सकते हैं आप एजेस की 9 प्लेट की बैटरी है, ये 30 एम्पीयर देती है, 50 मॉडल कहलाता है सर, 9 प्लेट होती है। लोग 50 एम्पीयर बोलते हैं, 50 एम्पीयर नहीं होते, 50 मॉडल होते हैं, 30 एम्पीयर होते हैं, ठीक है। और ये बैटरी जो है आपको मिलती है 9,700 रुपये की होलसेल के अंदर और इसकी प्राइस अगर आप देखना चाहें तो थोड़ी बहुत विजिबल है, 10,832 की प्राइस अराउंड की लिखी हुई है, सही। तो ये बैटरी आपको जो है 9,700 में होलसेल मिल जाएगी। रिटेल प्राइस इसकी मार्केट में 10,000 भी है, 10,500 भी है। अच्छा जी, तो ये आपको बैकअप के लिए बेहतरीन है, लगाना चाहे इस पर। ये SP70 आती है 11 प्लेटों में, सही। ये 11 प्लेट की बैटरी है, साइज वही 50 वाला, ये 70 मॉडल चलाता है 38 एम्पीयर की वजह से। ये बैटरी जो है अभी देखिए यहाँ तक 70 तक पहुँच गया, मगर ये 55 तक अभी तक एजेस नहीं पहुँची, ठीक है। ये 55 वाली 40 एम्पीयर है, ये आपको 70 में आके 38 एम्पीयर मिल रहा है एजेस 11 प्लेटों में, सही। और ये जो है आपको पड़ती है इस वक्त 11,500 रुपये की और मार्केट की 12,000 से अबव की प्राइस इसकी, आप देख सकते हैं 12,300 समथिंग इसकी प्राइस आ रही है यहाँ पर, तो 11,500 में अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रिंट थोड़ा मिट गया इसका, ये तकरीबन आपको जो है ये एजेस की मैंने फील्ड बताई है आपको, जो कि आप अपनी 1000 सीसी की गाड़ी पे सवार कर सकते हैं। एजेस की एक आती है 7 प्लेट वाली बैटरी वाशी, सही। ये वाशी सीरीज की आती है, रेड टॉप होता है इसका, 7 प्लेट में होती है, ठीक। ये आपको 8,200 रुपये की पड़ जाएगी होलसेल के अंदर, सही। और 7 प्लेट 24 एम्पीयर रहती है, आप 1000 सीसी में भी 800 सीसी और 6,000 सीसी में लगा सकते हैं, जिनका बजट कम हो वो इस पे जा सकते हैं, इनके लिए बेस्ट है। 6 महीने वारंटी इस पे भी आती है, ठीक है। हॉक की बात करें, अब ड्राइव में आए थे आप, तो हॉक की बात करें तो हॉक वाली बैटरी 60 वाली जो है, आप इससे पहले भी आपकी वीडियो में बताया था 10,500 रुपये की बैटरी अवेलेबल है, अभी भी यहाँ पे 11,000 से रेट हो चुके हैं। अच्छा, अभी भी 10,500 की अवेलेबल है ये, और इसने 2% 3% इंक्रीज किया कंपनी ने इसके ऊपर। अच्छा, बट हमने अभी तक फिलहाल वही रेट चलाया जो हमारे पास है, हम मार्जिन में कम कर रहे हैं अपने, ठीक है। बट ये बैटरी 12 महीने वारंटी पे ड्राई बैटरी है और इसका अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो इसकी लुक आप देख सकते हैं, ये वारंटी कार्ड है 12 महीने का इसका। अच्छा, 1 साल वारंटी भी है। 1 साल वारंटी, मगर ये गाड़ियों के लिए होती है, आप इसमें देख भी सकते हैं, ये वारंटी कार्ड है और ये सिर्फ व्हीकल के यूज के लिए होती है, ओनली फॉर व्हीकल यूज। अच्छा, तो ये वारंटी कार्ड आ गया इसका, कैल्शियम प्लेटों में है ये। और अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी बैटरी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये बैटरी है, वजनी भी बहुत होती है, मेरी आवाज़ से बच्चों की होकर निकालते हैं। अच्छा तो ये 60 वाली बैटरी है, 36 एम्पीयर देती है, 60 मॉडल होता है, बट ये एम्पीयर जो इसके है ये आपके समझ लीजिए 40 एम्पीयर का मुकाबला करती है बैटरी। अच्छा, यानी 55 मॉडल डायवो का या 60 का एजेस का उसका मुकाबला इसका है, कि जैसे वजन क्वालिटी लेट पूरा है। जैसे पहले कोरियन में आप देखते होंगे रिजॉम्बी, वो जब नई नई आई थी ना बैटरी कोरिया में, कोरिया की निकल के डायवो की जब इम्पोर्ट हो रही थी, वो बैटरी 5-5 साल भी चलती थी, सही। तो वजह क्या थी, पहले बैटरी थी, क्वालिटी थी, वजन का चीज था। तो ये बैटरी उस हवाले से भी आप कह सकता हूँ मैं कि ये भी तकरीबन अक्रॉस हुई आपको टाइमिंग दे सकती है वारंटी के अंदर, सारी 12 महीने वारंटी जैसे मौजूद है। बाकी अगर नेक्स्ट मूव करते हैं आप, ये जर्मनी, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, जो ऐसा फॉर्मूला होता है ना बेसिकली रिजॉम भाई, वो जर्मन टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और बाकी अगर आप देखें जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली प्लेटों की होती है ना, लेड की, वो फॉर्मूला जो पेस्टिंग होती है उसकी, वो जर्मन टेक्नोलॉजी है, इसमें कोरिया की टेक्नोलॉजी है, एजीएस में जो है जापानी जी युआसा की टेक्नोलॉजी होती है, जीएस की जो यूज कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है, बाकी सब लोकल है। अच्छा, अच्छा। नेक्स्ट मूव करते हैं डायवो की 50 की तरफ, तो डायवो 50 जो है आपके लिए अवेलेबल है
11,940 रुपए की प्राइस है इसकी, वही प्राइस अभी तक चलती आ रही है, बट इसका जो डिस्काउंट था वो कंपनी ने डिस्काउंट कम कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये मोस्ट प्रोबेबली ये 10,800 में चले आएगा प्राइस फिलहाल, तो अभी ये आपको अभी भी होलसेल में 10,200 की मिल जाएगी अवेलेबल। सही, 10,200 जबकि इसकी 10,500 की प्राइस है। ठीक है, होलसेल के अंदर रिटेल प्राइस 10,800 लोग बेच रहे हैं, 11,000 की बेच रहे हैं, कहीं 11,500 की भी बेच रहे हैं। सही बैटरी, तो ये इसमें आपको 10,200 रुपये मिल जाएगी DL15। और अगर आप अंदर से देखना चाहें इसका तो आप देखें, ये इसकी पैकिंग है जो इसकी सेफ्टी होती है, यूज़ किया जाता है थर्मोपोल, इसकी पोल की हाइट के थर्मोपोल लगाते हैं, पोल डैमेज ना हो उसके। और ये बैटरी प्योर लेड बन के आती है, इसे पहले बताया मैंने, इसकी क्वालिटी फिनिशिंग आप देख सकते कितनी होती है। और ये बैटरी का जो पेपर इंडिकेटर दिए हुए, और ये बैटरी जो है आपको इसमें 10,200 की मिल रही है अवेलेबल इस टाइम पे भी, जिस वक्त उसका 9,500 रुपये में से लेके वो अभी आ गई 10,500 में। सही, तो ये अभी भी इस वक्त जो आपको मिल रही है, उसके साथ एक वारंटी कार्ड होता है, साल वारंटी के अंदर मौजूद होता है। तो ये दो चीज़ें होती है बॉक्स के अंदर, और आप जो है इसका जब चूज करें तो ये 1,000 cc तक लगाएं, लोग ये सिटी में भी लगाते हैं, सिटी में हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ये लगाएं, क्योंकि कंपनी भी कहती है 55 वाली बैटरी लगाई जाती है सिटी के अंदर। तो सिटी वाली बैटरी जो है ये 55 वाली है, ये 40 एम्पीयर देती है आपको, 12,850 की प्राइस है, हम 11,200 रुपये में दे रहे हैं अभी होलसेल के अंदर। अच्छा, 11,200 में आपको मिल जाएगी होलसेल में। ठीक है, ये होलसेल मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक रहेगी, मेरे ख्याल से मार्च में खत्म हो जाएगी ऑफर। सही, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट मजीद जो था वो भी खत्म कर दी, जब जीरो डिस्काउंट पे आएगी कंपनी तो जो प्राइस होगी हमारी पुरानी 11,700 की, उस रेट पर बैटरी मूव कर जाएगी दोबारा। ठीक है, तो अभी रिजवान भी आप आए तो प्रमोशन प्राइस मैं फिर रन करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र है, जो प्राइसेस मेरे पास अभी तक है मैं कंट्रोल में आपको दूंगा। वो DL55 है, इसी तरह DR55 आती है, ये लेफ्ट और राइट टर्मिनल से फर्क होता है इसके अंदर, बस कुछ गाड़ी में हार लगती है हम हार लगाते हैं, इसमें हेल लगती है हेल लगाते हैं, प्राइसेस सेम है दोनों की। ठीक है, इसी तरह से रिजवान भाई 60 आती है मॉडल, सही, 14,537 का प्राइस है इसकी, और ये आपको जो है पड़ती है 12,700 रुपये मिल जाएगी, 12,500 प्राइस है, 12,700 हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो क्योंकि अभी डिस्काउंट जो कम हुआ कंपनी उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर रेटों में। ठीक है, बट ये कि ये आप इसमें सिटी में सॉरी सिविक में जो पुराने मॉडल्स है या सिटी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं जो पुराने मॉडल्स है, और इसका जो कॉम्पैक्ट साइज आता है वो स्विफ्ट और विड्स गाड़ी में ये फिक्स साइज बैठता है 60 वाली, इससे पोल पतले होते हैं। अच्छा, अगर आप देखें इसके जो पोल्स है वो 50 वाले 55 वाले पोल्स होते हैं, वो मोटे नहीं होते, लोग अक्सर कहते हैं यार 65 वाली बैटरी हम लगा लें, 65 मॉडल भरा है हमें 65 ही चाहिए, हम टर्मिनल चेंज करवा लेंगे, मगर ऐसी बात नहीं सर, 45 एम्पीयर दोनों दे रहे हैं, ये भी 45 एम्पीयर दे रही है, और रिजवान भी ये दिखाएं आप, ये भी 45 एम्पीयर दे रही है, आप देखा ये देखें, ये 65 वाली 45 एम्पीयर देती है, और AGS के 13 प्लेट में 45 एम्पीयर आते हैं 70 मॉडल में, और 65 में भी 13 प्लेटों में 45 आते हैं, ये सिर्फ एम्पीयर अंदर वही होते हैं, रिजवान भी मॉडल से खेलते हैं कंपनियां। सही, आप देखें ये इसका 45 एम्पीयर है और मॉडल जो है आपका 60 है। ठीक है, साइज 60 वाला ही है इसका, जो 65 वाला साइज है साइज सेम है, एम्पीयर सेम है, सिर्फ पोल्स का फर्क है, ये पतले पोल है और ये दोनों, एक मोटा थिक होता है प्लस का और एक मतलब होता है, उसमें क्या होता है 65 में दोनों ही मोटे पोल्स होते हैं उसके। सही है, मैं 65 बैटरी को बता दूँ ताकि आपको व्यूअर्स को ज़्यादा और नो हाउ हो जाए, ये प्लस वाली दिखा देता हूँ, बात तो एक ही है, साइज एक ही है दोनों का, ये प्लस है, प्रीमियम प्लस मॉडल है, ये लोग वो लगवाते हैं जिनको अपनी गाड़ी में एम्पीयर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, तो इसमें ये वो क्वालिटी होती है जो कंपनी सप्लाई हो रही थी, देखिए इनके मोटे पोल्स दोनों के, साइज वही है मगर पोल्स दोनों ही मोटे हैं इसके, थिक पोल्स हैं। सही, ये 65 वाली की बैटरी की निशानी है, कंपनी ये तो कंपनी करती है, मोटे पोल अगर किसी गाड़ी में जेन्युइन मोटे पोल ही आते तो उसमें 65 ही लगेगी, और पतले पोल आते तो ये लगाते, कई लोग ऑल्ट्रेशन करवाए थे पतले पोल करवाए थे यार कि ये मैं 65 इतनी महंगी बैटरी लूँ मुझे 60 लगा दो, मैं तो टर्मिनल चेंज कराऊँ 200 रुपये टर्मिनल आता है हार्डली, तो लोग ये यूज़ कर लेते। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, मैं मशवरा दे रहा हूँ आपके, अगर व्यूअर्स को अगर बजट सेविंग है तो बजट सेविंग से कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, गाड़ी में कोई इशू नहीं पड़ता कि आप 35 एम्पीयर लगाएं या आप उस पर 40 एम्पीयर लगा लें या 80 एम्पीयर लगा लें, गाड़ी में सर देना होता है, तो इससे गाड़ी के कार्ड में किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा इशू नहीं है। लोग अक्सर आप मेरे पास एक बैटरी की मॉडल मैं आपको दिखाता, वो डिन बैटरियां हैं जैसे एक्वा है ना, एक्वा गाड़ी जी, एक्वा हो गई, सेंटा हो गई, ग्लोरी है, सिविक है, उनके अंदर बैटरियों को बॉडी छोटी आती है लगी हुई, छोटा साइज आता है बॉक्स छोटा सा, डिन बैटरियों का होता है, तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि यार हमें वो बैटरी मिल नहीं पाती कहीं से, आप बताएं क्या करना है, तो बैटरी उनको ये परचेज करनी पड़ती है, जो डायवो बनाता है
666 के अंदर और 600 के अंदर दो मॉडल आते थे। ये 600 मॉडल है, ये देखा, और वो इसमें 52 एम्पेयर आते हैं आपके, सही। और ये जो है आपके, ये आपको 60 एम्पेयर देते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं 60 एम्पेयर आ रहा है। उनकी जो बैटरी लगी होती गाड़ी के अंदर जेन्युइन, वो लगी होती 35 एम्पेयर की, सही। तो बड़े परेशान हो रहे थे, यार मेरी बैटरी खराब, मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए, कार्ड ना चल जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ज्यादा एम्पेयर कार्ड को खराब ना करते। सर ऐसा कुछ नहीं होता, गाड़ी का जितना इनपुट होगा ना उतना ही करंट लेगी बैटरी में से, 12 वोल्ट देना से 12 वोल्ट देगी। एम्पेयर को ऐसा सुनिए, एम्पेयर बेसिकली बैटरी का स्टोरेज टैंक होता है, सही, कि जितना पानी से ना भर सकता है, ठीक है। नलका अगर जो लगा हो तो उसमें जितना फ्लो होगा वही फ्लो आएगा ना नलके का, सही। ऐसा तो नहीं पूरा खुलकर टैंक एक साथ ही आएगा कि झटके, सही सही। तो ये फर्क होता है सर समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बॉडी कट बॉडी है टर्मिनल्स, और इसके आप पोल देख सकते हैं दोनों प्लस है, और ये जो है एल आती है टर्मिनल, आर टर्मिनल नहीं आती इसके अंदर, ये एल ही बनती है। एक गाड़ी आई थी उसको आर मांगी थी, बेचारा कहीं मिली नहीं आर, तो ये दिन उसके बाद लगी नहीं सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट मूवर है अगर अपना रिजान भाई, तो ये बैटरी एक फ्यूजी का है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें लेकर चलना चाहिए तो फ्लो टूट गया चाहिए, अब नजर आई मुझे कल ही आया है माल। तो ये फ्यूजी का बैटरी है, आप देख सकते हैं, ये जेन 40 के नाम से आती है, ये ओसाका की कंपनी है, अच्छा। फ्यूजी का रिजल्ट अच्छा है इसका, माशाल्लाह बहुत बेची है हमने पिछले साल में, बेची है आपकी पुरानी वीडियो में जरूर होगी, ये जब मैं गार्डन में बनाता ना वीडियो, तो ये आप देखिए इसमें बाल भी निकल रहे क्या। ये बैटरी इस वक्त जो है वो मौजूद है आपके पास 6,500 रुपए के रेट में, जबकि ये 7,000 रुपए की, 7,500 की आराम से बिक रही है यहाँ पे, अच्छा। तो ये बैटरी आप यूज कर सकते हैं अपने जनरेटरों के लिए, 12 वोल्ट के पंखो लाइटों के लिए, और इसमें इसके अलावा आप अपने जो है सेल्फ स्टार्ट गाड़ियों के लिए भी यूज कर सकते हैं, 660 मैरान में भी यूज कर सकते हैं आप ये सर, सेल्फ स्टार्ट के लिए बेहतरीन है, विदाउट वारंटी आती है, बट इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, इस्तेमाल की काबिल होती है, बेहतरीन मेंटेनेंस फ्री है। इसी तरह डायवो बनाता है आपकी जेन 40 के नाम से, हाई चार्ज के नाम से डायवो बनाता है, सही। बैटरी तो आप देख सकते हैं इस पे, ये डायवो का लोगो भी आप देखिए लगा हुआ ऊपर, सही। हाई चार्ज डायवो का बैटरी है, वही पैकिंग आप देख सकते हैं, पैकिंग भी वही चीज है, टर्मिनल भी वही है, तो ये डायवो की बैटरी है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये बैटरी आपको 6,000 रुपए की मिल जाएगी, आपके 6,500 की बैटरी है, अच्छा। तो ये होलसेल कटिंग के अंदर आपको 6,000 रुपए की मिलेगी इस वक्त मौजूद, आप जनरेटर में यूज कर सकते हैं, ये वही पर्पज जो आपने इसको बताया, मैं यही पर्पज है, डीसी लाइटर में भी यूज कर सकते हैं, ये भी विदाउट वारंटी आती है, 6,000 की पड़ती है। बैटरियां जबरदस्त होती है, चलने वाली बैटरियां, ऐसा नहीं कि अगर कंपनी वारंटी नहीं देती तो बैटरी चलती नहीं है, सही है। लाखों की तादाद में बैटरियां दिखने वाली है, ये लाखों की तादाद में बिकती है बैटरियां, अच्छा। तो ये इसकी डिमांड इतनी होती है, तो कोई वजह है जो बिकती है ये, तो बाकी ये कि आप इसके अलावा अगर मूव करते हैं तो मैं कहता हूँ अभी हम मूव करते हैं उसकी तरफ, यूपीएस और सोलर की तरफ, क्योंकि अभी जो ज्यादा टाइम आ रहा है वो यूपीएस सोलर का आ रहा है, तो वो दिखाते हैं बैटरियां। ये डायवो की 110 है, डीप साइकिल टेक्नोलॉजी है ये वाली, ये बैटरी है डीप साइकिल टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग यूपीएस बैकअप है इसका, ठीक है। और अगर आप इसको 100 से कंपेयर करें, मैं एक साइज लेके आता हूँ 100 का, ये एजीएस की 100 आती है 80 एम्पीयर के अंदर, ये आपको पड़ती है 20,000 रुपए की बैटरी है, ये सही। 15 प्लेट की बैटरी है, 85 एम्पीयर देती है, इसको अगर साइज वाइज कंपेयर करें आप डायवो से, तो डायवो की बैटरी के तकरीबन कितना साइज छोटा है इसका, छोटी बैटरी है हालांकि, मगर एम्पीयर में ये 85 एम्पीयर है, ये डीप साइकिल बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी आपको 23,000 की पड़ती है, जबकि इसकी जो प्राइस है कंज्यूमर प्राइस वो 26,609 रुपए की प्राइस है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं इसकी प्राइस मेंशन है इसके अंदर, 26,609, ये आप प्राइस देख सकते हैं इसकी मिलेगी कितने की, 26,000, ये 23,000 रुपए की मिलेगी आपको, 23,000 के डिस्काउंटेड में अभी भी अवेलेबल है, जबकि इसका एक्चुअल रेट जो है 24,000 रुपए का रेट है होलसेल के अंदर, अच्छा। तो 23,000 की अभी भी अवेलेबल है जितने भी हमारे पास स्टॉक मौजूद है, और इंशाल्लाह काम चल पड़ेगा जाहिर है, तो फिर हम इसी प्राइस को कोशिश करेंगे जितना कम्पीट कर सके करेंगे, मगर आपको डिफरेंस अभी अवेलेबल है। और ये 2024 की बैटरी है सारी माशाल्लाह से, अच्छा। अभी की फ्रेश अपडेटेड 24 की बैटरी है, और ये बेस्ट फॉर सोलर लिखा हुआ भी है, बेस्ट फॉर यूपीएस भी है, सही। और अब आप इसके बड़े मॉडल्स में आए, ऊपर बेस्ट फॉर सोलर भी लिखा होंगे बड़े मॉडल्स के अंदर, सही। तो ये अब ट्यूबलेट हो चुकी बैटरियां, ट्यूब्स आ चुकी है इनके अंदर, कैप्स आप देख सकते हैं, मैं खोल के दिखाऊंगा 200 की बैटरियां, ये 1800 ट्यूबलेट के बराबर है, अच्छा। ये वारंटी कार्ड है, ये ट्यूब अब निकलती है इसके अंदर से, 6 ट्यूबें होती है इसके अंदर, सही। और ये बैटरी पूरी रेडी आती है,
और ये बैटरी बेस्ट फॉर सोलर है, बेस्ट फॉर सोलर सिस्टम है। कंपनी ने बैकअप के लिए इसको और मजीद इनहेंस किया है, इसका बैकअप और मजीद बढ़ जाए और काफी वजनी हो गई बैटरी। अब हमें खुद महसूस हो रहा है ये बैटरी वाकई बहुत वजनी हो गई है, 175 एम्पीयर ये 1800 ट्यूब लगे बराबर। ये भी 2024 का कोड है, फ्रेश कोड है। ये कितने की? ये आपको पड़ती है 47,500 की अभी होलसेल में, सही और है। इसका जो नेक्स्ट मंथ रेट होने जा रहा है वो 49,500 का रेट है नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इसी का लॉन्गेस्ट यूपीएस बैकअप है और इसके रेट आप देख सकते हैं रिजवान भी यहाँ बराबर दिखाएं आप लाके, इस साइड पे लिखे हुए रेट। अच्छा, 54,386 इसी प्राइस आपको 47,500 की अभी भी अवेलेबल है। तकरीबन 7,000 रुपए का डिफरेंस, तकरीबन 2-3 हजार का फर्क पड़ जाएगा रेट में। अच्छा, और ये 180 वाली बैटरी है जो कि 1500 ट्यूब का बराबर है, सही। और ये बैटरी भी ट्यूब्स के अंदर आ चुकी हुई है, डीप सेकंड टेक्नोलॉजी है, सही। ये अगर आप इसको कंपेयर करें, मैं दूसरे ब्रांड से कंपेयर कराता हूँ इसको, ये आप देखिए गांधी, ये बैटरी लेकर आगे मैं एजीएस की 180 जो हमारी डायवो की 180 लोग कहते हैं ना, या 180 एजीएस की जो सस्ती है ये आपको 32,000 की मिल जाती है, 3700 की भी चले हम दे देंगे, ठीक है, 31,700 में। जबकि इसकी प्राइस आप देखें आप तो 35,211 रुपए की प्राइस यहाँ लिखी हुई है, 35,211 रुपए प्राइस है आपको, 3700 में भी हम दे देंगे आपको होलसेल के अंदर, ठीक। और ये फरवरी का फ्रेश कोड है, ठीक है। अब आप ये देखें आप साइज के हिसाब से देखें इसको, मैं बिल्कुल यहाँ पे लकीर से लकीर मिला दी बैटरी का, आप दिखा सकते कस्टमर को अपने, सही। अभी कितना फर्क आ रहा है चौराई में इसका, ये 200 वाला कंटेनर डीआरबी जो 180 आती है दूसरे ब्रांड के 210 के बराबर है, मोटा कंटेनर आता है और चौराई देखिए पतली है इसकी, लंबाई वाले सेम है, चौराई पतली है, सही। ये मोटी प्लेट में आती है, एम्पेयर 145 एच, ठीक है। इसके एम्पेयर देखना 145 एच है, ये 1500 ट्यूब के बराबर है और इसके जो एम्पेयर है वो 120 है, 120 सही। ये 31,700 की है और ये पड़ती है 37,500 की, आपको ये बैटरी होलसेल मिलती है, ठीक है। जबकि इसके प्राइस 43,040 अराउंड इतनी प्राइस के मेंशन है, बैटरी हिला लगे तक गया आपको ये तो। अच्छा, 150 मॉडल आते हैं डायवो में, ये 150 मॉडल है, लंबे में लंबाई में देखे जाए तो हमारे इसके बराबर ही 180 के, सही। ये 27,000 का मिलता है आपको, ठीक। ये 6 मंथ वारंटी में आता है, बाकी सब साल है, ये 6 मंथ में आता है, सही। 165 वाली बैटरी है, ये भी ट्यूबलेस हो चुकी हुई है, सही। ये 1200 ट्यूबलेस के बराबर है, 115 एम्पीयर देती है आपको, 4000 एम्पीयर दो पंखों के लिए बेहतरीन है ये, सही। ये बैटरी आपको पड़ती है इस वक्त 33,000 रुपीज की, प्राइस नेक्स्ट मंथ 34,500 की हो जाएगी इसकी, सही। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 38,000 रुपए की प्राइस इसकी है ऑलरेडी, जो आपको 33 की दे रहा हूँ, सही। अच्छा, इसमें 260 आती है, ज़ॉम्बी दिखाएं, ये सबसे लास्ट मॉडल डायवो का, सही। इससे पहले 225 आती है, वो तक 54,000 रुपए की, 54,000 की, और 200 एम्पीयर देती है नेट। ये 260 मॉडल है, 220 एम्पीयर देती है, 2500 ट्यूबलेस के बराबर है। अच्छा, ये 67,885 प्राइस है, अभी आपको 59,000 की मिल जाएगी होलसेल के अंदर, 59,000 की होलसेल मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ, इसका रेट 62,000 के करीब हो चुका होगा, सीधा सीधा 9,000 रुपए का डिस्काउंट है, अराउंड 9,000 का कंज्यूमर प्राइस डिस्काउंट है इसका पूरा, ठीक है। तो सर ये सब होलसेल रेट है आपके, और अगर आगे आपको दिखाऊं मैं, आपको एजीएस की और बैटरीज अवेलेबल है, एजीएस से वाशी 220 आती है जो कि 23 मिनट वाली बैटरी होती है, ये आपको जो है इस वक्त मिल जाएगी 33,500 की, ये रेडी बैटरी मिलेगी, 23 मिनट वाली बैटरी है, 140 एम्पीयर देती है आपको, सही। ये 175 आती है, जीएक्स मॉडल 175 में आता है, ये 33,000 की मिल जाएगी आपको बैटरी, ये भी 23 मिनट है, और दोनों फर्क ये है कि ये मॉडल आगे के, वाशी सीरीज अलग है, ये मॉडल आगे के, ये मॉडल 175 मॉडल होता है, ये पुराना मॉडल है, ये 33,000 की मिल जाएगी रेडी, 23 मिनट, दो पंखों तीन पंखों के लिए बेस्ट है बैटरी, सही जी। रिजवान भाई, ये सारी बैटरी जो मैं आपको दिखाई है इस वक्त जो अवेलेबल शॉप के अंदर है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो हमारे गार्डन शॉप में और भी इससे ज़्यादा बल्क स्टॉक मौजूद है, और कोई भी बैटरी अगर आपको रिक्वायर्ड है, जो बेहतर है जिसमें हमें आपको ज़्यादा मिली, वो बेहतर जो चीज़ है वो सेल करें, ताकि हम भी सुकून से काम करें, इससे क्लेम के इशूज ना आए जी, और हर बंदा चाहता है सुकून से काम करें, तो ये बैटरी से इतनी क्लेम की कंप्लेंट्स नहीं है, जिस तरह हम ये सेल करते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको अगर हॉक चाहिए तो हॉक भी ज़बरदस्त बैटरियाँ हैं, ट्यूबलर की बैटरियाँ आई हैं, 1800, 2500, 3000, 1800, 2500, 3500 आई है ट्यूबलर उसकी हॉक की, वो भी साल वारंटी में, तो अगर वो चाहिए आपको तो वो भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको वो, और बाकी उसे भी होलसेल प्राइसेस है, और काफ़ी वजनी है, क्वालिटी वाइज है, ये लोगों ने बताया हमें कि बहुत क्वालिटी है उसके अंदर, बैकअप अच्छा है, ठीक है। तो हर तरह की बैटरी अवेलेबल है, फॉनिक्स के इस वक्त फिलहाल मसला ये चल रहा है ट्यूबलर का, कि उसमें ब्लैक मार्केट बहुत हो गई फॉनिक्स के अंदर, रेट बहुत ज़्यादा शूट कर गए हुए इसके, और जो चीज़ हमें अभी एक महीने पहले 72,000 की मिली थी, आज वो 85,000 की हमें मिल रही है, सही। तो हम आगे किस रेट पे देंगे, तो सोचें, तो ये चीज़ें ब्लैक मार्केट कर रही है फॉनिक्स की,
हालांकि उसी क्वालिटी अगर फोन इसकी अभी भी वही है तो एक साल की वारंटी क्यों नहीं है, 6 महीने वारंटी भी क्यों आ गई? तो ये एक सवाल है, निशान है सबके लिए। बाकी इसके अलावा रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने आके दोबारा शूट किया हमारी और लोगों को लेटेस्ट प्राइस अपडेट किया अपने। मुझसे जो भी रابطہ करना चाहे रابطہ कर सकता है व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी, और अगर मैं कॉल पिक ना करूँ या नंबर पे कोई सिग्नल का इशू है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर छोड़ देगा मेरे जैस वाले नंबर पे 0302-7365। मेरी लोकेशन दो है, गार्डन और एक गार्डन की और एक गुलशन की है। गार्डन की भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और वो मिल जाएगा नंबर, लोकेशन और इसकी भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपको एड्रेस गाइड करता चलूँ, ये आप अगर गुलशन एक बाल भी पे आते हैं तो डिस्को बेकरी का सिग्नल आप क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट आप मस्तन चुरंगी पे जाएं, वहाँ से यू टर्न लेके वापसी टूवर्ड जिसको बेकरी आप अपना टर्न करें तो आपको लेफ्ट साइड पे जो है हमारी ये शॉप मिल जाएगी जो कि सनी आर्केड में लोकेटेड है, शॉप नंबर 24 बिल्डिंग सनी आर्केड, सिटी बैटरी का डायवो का बोर्ड लगा होगा बाहर, सिटी बैटरी ट्रेडर्स, और बिल्कुल अपोजिट हमारे दुकान के रेजेंसी हाइट्स है बिल्डिंग, और अल जन्नत रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर है हमारी बिल्डिंग के स्टार्टिंग में ही है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे 7 डेज ऑन रहती है, संडे को भी ऑन है फुल डे 10 से लेके 8:30 की टाइमिंग है, जुम्मे वाले दिन 11:30 से लेके 7 की टाइमिंग है हमारी, और गार्डन की शॉप हमारी संडे को क्लोज होती है, इसके अलावा 6 डेज खुली होती है वर्किंग डेज में इंक्लूडिंग सैटरडे, वो भी तकरीबन 10:30 से 8 की टाइमिंग है। आप गार्डन में जाए तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने आपको सिटी बैटरी ड्रेस दिखती है, अमीन प्लाजा शॉप नंबर 9। बाकी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेट के लिए। चलिए ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू वेरी मच।